तो हाँ यार, मैं निकल चुका हूँ अपनी ड्रीम ट्रिप के लिए, जो कि मैंने बहुत सालों पहले देखा था कि अपनी डिस्कवर 150 को लद्दाख लेके जाना है। तो वो दिन आज आ चुका है, हम लोग निकल चुके हैं। अब से ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं अकेला जा रहा हूँ या किसी के साथ जा रहा हूँ, यहाँ पे बस मैं रिलैक्स करने वाला हूँ और इन्जॉय करने वाला हूँ। यहाँ मेरे अप्स भी होंगे, डाउन्स भी होंगे, कभी मैं गिरूँगा भी तो कभी स्माइल भी करूँगा, ये सब होने वाला है इस ट्रिप के अंदर। तो बने रहो, इन्जॉय करो। फाइनली भी थोड़ा चैन कवर गिर के रास्ते में ही गिर गया। थ्री टू वन एक्शन। तो देख सकते हो हमारे यहाँ पे टेंट लगे हुए हैं, बाइक्स हमारी यहाँ पार्क है। हम नकीला टॉप पहुँच गए हैं, हाईएस्ट मोटरबल पास। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सभी मुसाफिर के नए सफ़र के अंदर। तो आपको जैसे पता था कि कल हम लोग ले आ गए थे, अब हम लोग ले से आज निकल चुके थे। तो जितना भी जो पासिस पड़ता है ना नींबों के बाद, आपका जितने भी दो पासिस पड़ते हैं, वो पूरे में बरसात हो रही थी यार, हम लोग टोटली भीग चुके थे। तो अभी हम लामायूरी के अंदर ही हैं, जिसको आप मूल लैंड के नाम से जानते हो। तो हम लामायूरी में ही आ गए थे। अभी हम लोगों ने जहाँ हमने अभी स्टार्ट किया और हमने अभी कैमरा स्टार्ट किया, और पता क्या दिक्कत हुई कि बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। तो भाई कैमरा गीला होने का बहुत डर है, और हम लामायूरी के अंदर ही हैं, रुक यहाँ नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें दो दिन में ले अपना दिल्ली पहुँचना है, क्योंकि आज हम शायद श्रीनगर तक जाएंगे अगर हम जा पाए तो, और मोस्ट प्रोबेबली कारगिल तक तो जाना ही जाना है हमने आज, क्योंकि जोजिला शायद बंद हो जाएगा जब तक हम शायद पहुँचेंगे, है ना। अंधेरा हो जाएगा तो ज़्यादा क्रॉस नहीं करा जाता है वो, पता नहीं तो, बट हम रात में उसको नहीं क्रॉस करने वाले, क्योंकि बहुत खूबसूरत है और पहली बार भी आ रहे हैं हम यहाँ पे, तो हम उसको मिस नहीं करना चाहते कि हम अंधेरे अंधेरे में क्रॉस कर लें। मेरा बहुत मन है कि यार लामायूरी आपको अच्छे से एक्सप्लोर कराऊं या आपको दिखाऊं अच्छे से, बट क्या करें यार कि ज़्यादा टाइम है नहीं चीज़ों को करने के लिए, तो हम लोग इसलिए भागम भाग लगे हुए हैं। अभी आपको दिखेगा हमारे लेफ्ट या राइट में आएगी लामायूरी, जो मतलब ये पूरा ही एरिया लामायूरी है, मून लैंड के लिए नाम से जाना जाता है, तो आप इसको देख सकते हो, है ना। और बाकी मज़ा बहुत आया हमें इस ट्रिप पे, बहुत एक्सपीरियंस अच्छे अच्छे मिले हम लोगों को, और ये ट्रिप हमें हमेशा याद रहेगी। ये देखो, ये शांति स्तूपा टाइप का है, यहाँ पे स्तूपा बना हुआ है, ये पूरा एरिया है, यहाँ से मोनेस्ट्री का रास्ता कटता है, जो लामायूरी मोनेस्ट्री है वहाँ के लिए आप जा सकते हो। अच्छे अच्छे टेम्पल्स बने हुए हैं यहाँ पे, और ये आपके हमारे लेफ्ट में पड़ेगा, देखना आपको दिखेगा तो, ये देखो ये भी एक मोनेस्ट्री है, और बहुत टूरिस्ट रुके हुए हैं यहाँ पे, तो ये वाला अट्रैक्शन एरिया है। और आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा मून लैंड, है ना, देखो और इन्जॉय करो, और टाइम लैप्स का थोड़ा सा टाइम लैप्स को इन्जॉय करो, तब तक हम बाद में मिलते हैं, है ना।
तो आपको बहुत मज़ा आया होगा हमारा टाइम लैप्स देख के जो हमने पीछे लगाए हैं। अभी दिखाने को कुछ नहीं है, आज सिर्फ ट्रैवल ट्रैवल है, क्योंकि आज हम लोग नॉन स्टॉप करने वाले हैं ले टू श्रीनगर, और जिसमें लोगों को शायद कई बार 1.5 दिन लग जाता है, कभी 2 दिन लगते हैं, बट आज हम 1 दिन में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा पूरा फोकस यही है कि आज हम बाइक दौड़ाएं, और अब बाइक की स्पीड देखो यार, मैं मानता हूँ ओवर स्पीडिंग करनी अच्छी बात नहीं है, मगर मेरी बाइक ओवर स्पीड नहीं कर रही है, 70-80 की स्पीड में चल रही है बाइक। व्यू इतना अच्छा है ना यार, मज़ा इतना। और एक चीज़ बताऊँ यार, मेरा ये वाला जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा रहा है यहाँ पे आके, कि जो रोड्स कंडीशंस हैं, जो मतलब लामायुरु से पहले की भी रोड अच्छी है, ऐसा नहीं रोड नहीं है, ले मतलब ले से जब से हम ले से चले हैं यहाँ पे, पूरी जगह पे रोड कंडीशन अच्छी हैं। अगर कंपेयर करा जाए कि मनाली में जो रोड कंडीशन थी, मनाली से हम जितने भी पासिस क्रॉस करके आए, जितने भी ट्रेन्स पे आए हम लोग, है ना, तो उनसे तो बहुत मच बेटर क्वालिटी रही इन रोड्स की, मज़ा भी आ रहा है, व्यूज़ भी हैं। बट ये क्या होता है कि जो हम मनाली की तरफ से आते हैं तो वहाँ पे हमें पासिस काफ़ी सारे मिल जाते हैं करने के लिए, जो सभी लोगों को फेमस है। तो हम लोगों ने भी डिसाइड यही किया था कि हम लोग मनाली से आएंगे, पहली बार जा रहे हैं। अब देखो, ट्रिप तो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, क्या आप चाहे मनाली से स्टार्ट करो, चाहे श्रीनगर की तरफ से स्टार्ट करो, है ना, सर्किट आपको सर्किट पूरा करना है। हम भी अपना सर्किट पूरा कर रहे थे, हमारी पहली जो ट्रिप है हम उसको सर्किट के साथ पूरा करना चाह रहे थे, वो हमने कर दिया आज। मतलब हम लोग श्रीनगर जा रहे हैं, अब ट्रिप ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है हमारी, लास्ट के आप हमें 1-2 दिन और देखोगे। मुझे लगता नहीं है कि शायद ही मैं जोजिला के बाद भी, मैं जोजिला तक का शायद मेरा व्लॉग लास्ट होगा, इस सीरीज़ का व्लॉग लास्ट होगा। जब हम कभी नेक्स्ट ईयर हम लोग दोबारा ले आएंगे, हम जब ले एक्सपेडिशन करेंगे अपना दोबारा से, तब आके एक बार और इन्जॉय करेंगे इस चीज़ को, और आपको और अच्छे से दिखाने की कोशिश करेंगे। इस बार तो बहुत भागम भाग रह गई, सीखने को बहुत कुछ मिला हम लोगों को, कैंपिंग हम कर रहे थे, बजट हमारा बहुत टाइट था, बाइक हमारी बहुत छोटी थी, तो बट ये है कि हमें मेरे को अपनी बाइक को लेके आना था यहाँ पे, तो हम लेके ज़रूर आए, और मेरे लिए बहुत अच्छा, मतलब कहते हैं ना कि अचीवमेंट रहा है मेरे लिए, कि यार मैं अपनी बाइक लेके यहाँ तक आ पहुँचा, और मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट रही अब तक। और शायद मैं जब लोगों को बताऊंगा कि मैं डिस्कवर लेके लद्दाख होके आया, है ना, और मैंने पूरा सर्किट पूरा किया, जो वर्ल्ड के मोस्ट हाईएस्ट और डेंजरस रोड हैं उन पे मैं डिस्कवर को लेके गया और उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी मेरी खुद के में। तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है ये चीज़ को। तो आपको ज़्यादा बोर हो रहा होगा, तब तक आप चलो काम करो, आप इन्जॉय करो ट्रैवल को, है ना, फिर मिलते हैं, अगर कुछ हमें कुछ नया दिखता है तो हम जरूर मिलेंगे आपको। फिर से मिल गए दोस्तों। तो अब हम लोग कारगिल पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। मैंने भी कारगिल का बोर्ड देखा, जो मैप में कारगिल दिखा रहा है, इसके अलावा भी वॉर मेमोरियल मुझे नहीं पता यहाँ पे एक है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सिद्धांत अभी आगे चल रहा है और शाम और ओमी पीछे हैं अभी हमसे, थोड़ा सा पीछे, ज़्यादा नहीं। तो हम लोग अभी बस जा ही रहे हैं यहाँ से और देखते हैं कारगिल, पहली बार देखेंगे कारगिल कैसा है और कैसा नहीं है। बाकी हम आउटर्स, कारगिल के आउटर्स में तो आ गए हैं अभी, मतलब बिल्कुल सेंटर में नहीं पहुंचे अभी, आर्मी ट्रक्स देखने लगे हैं, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ हम लोग कारगिल पहुंच चुके हैं। वॉर मेमोरियल भी हम ज़रूर जाएंगे और आपको दिखाएंगे जो हमारे वीर जवान जो थे, जो शहीद हुए, और अगर हमें वीडियो बनाने का वहाँ पर मौका मिला तो ज़रूर बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। बाकी जय हिंद है उन जवानों को जो इस जगह के लिए शहीद हुए। बाकी हम कारगिल पहुंच चुके हैं और मतलब देखते हैं यार कितना मज़ा आने वाला है इस कारगिल में, ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग सा लग नहीं रहा है मुझे, हमारे टिपिकल शहर की तरह ही है। तो ज़्यादा देखते हैं कुछ कि क्या बोला जाएगा क्या नहीं होगा यहाँ का। और सुबह से कुछ खाया भी नहीं हम लोगों ने यार, मतलब खाली पेट ही चल रहे हैं हम लोग सुबह से ना, कुछ भी नहीं खाया। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, हम एक दो काम भी कराना, जैसे बाइक्स के अंदर ना चेन में आवाज़ आ रही है, और
खाना भी हमें खाना है तो हम वो भी देख रहे हैं, बट हमारे जो पीछे दोस्त हैं वो हमारे पीछे रह गए हैं तो उनके लिए हमें वेट करना है। तो हम ये सोच रहे हैं कि कारगिल वॉर मेमोरियल ही पहुँच के हम उनका वेट करा जाए, है ना। उसके बाद ही हम उनका वेट, मतलब उनका वेट वहीं तक वहीं पे करते हैं और जब तक वो आ जाते हैं फिर अब तक हम फिर कुछ खाते हैं, क्योंकि उनके बिना ही क्या करना। और आपको देखो राइट में दिख रहा होगा हमारा पूरा कारगिल है, ये कितना क्राउडेड, मतलब क्राउडेड है पहाड़ों के बीच में तो क्राउडेड है ना। जैसे हमें ले दिखता है ना ऊपर से कि कितना अच्छा सा लग रहा है, यहाँ पर भी रात में क्या अच्छा व्यू ही आता होगा ना। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का मेरा यहाँ पर। मेरे अभी वैसा एक इंसिडेंट हुआ कि मेरा जो X2 लगा हुआ है जिससे भी रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी, वो उसका जो कवर आता है वो मेरा वहाँ पीछे कहीं गिर गया। अब मुझे मिल नहीं रहा, मैं परेशान हूँ यार कि मेरा कैमरा का वो कवर गया कहाँ। अब ये पूरा जब तक दिल्ली नहीं पहुँचते हम लोग तब तक ये कैमरा हमारा ऐसे ही जाएगा। बाकी मज़ा बहुत आया मुझे इस ट्रिप के अंदर यार, ये ट्रिप बहुत यादगार रहेगी हमारे लिए। मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो भूली जा सकती हैं, है ना। मतलब बहुत मज़ा आ रहा है लिटरली में, मेरे पास शब्द नहीं है कि क्या बातें करूँ यार आपसे। मेरा मन कर रहा है कि बस मैं कैमरा खोल दूँ और आप बस व्यू देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, है ना। बाकी देखो कारगिल के अंदर हम लोग मेन कारगिल के अंदर एंटर करते हैं तो फिर मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ कि क्या है, कैसा दिखेगा आपको मेन कारगिल, है ना। चलो तो देखो हम लोग कारगिल में आ गए हैं मेन मार्केट के बीच में। सिंगल मतलब वन वे रोड वाला हिसाब है यहाँ पे, कुछ रोड्स हैं वन वे वाली, मेरे को ऐसा लगता है कि पूरे रोड वन वे ही है यहाँ पे। और बहुत अभी क्या है ना, 2 दिन बाद शायद ईद है तो उस चक्कर में मार्केट बहुत ज़्यादा ही भरी हुई है लोगों से। और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, बट यहाँ हमारे को लग रहा है कि हम चांदनी चौक आए हुए हैं। चांदनी चौक की मार्केट इतना है हरी, मतलब भरी भरी सी हर जगह भाई, कुछ ना कुछ मिल रहा है ना। हम लोग भी सोच रहे हैं कि यार हम लोग ना कोई रेनकोट ले लें। हम तीनों ने मतलब तीनों के पास रेनकोट, सिद्धांत के पास सिर्फ रेनकोट है, बाकी हिमांशु और मेरे पास रेनकोट नहीं है, जिसकी वजह से अभी पीछे क्या हुआ, जब हम लोग पासेस क्रॉस कर रहे थे तो वहाँ पर बरसात होने लगी, उसी चक्कर में मेरी राइडिंग जैकेट पूरी गीली हो गई है। और ना मेरे को थोड़ा सा ठंडी लग रही थी तो फिर मैंने राइडिंग जैकेट पीछे बांध दी अपने बैग के ऊपर। अभी थोड़ी देर तक मैं नॉर्मल जैकेट पहन के चला रहा हूँ, उसके लिए सॉरी यार आप लोगों कि मैं थोड़ा सा अपनी सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। बाकी लोगों का रिएक्शन क्या कहूँ मैं, अच्छा सा रिएक्शन आ रहा है। बाकी आप मार्केट देखो कि लिटरली में मार्केट यार, मगर ये है कि यार मार्केट में बहुत भीड़ है, मतलब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगा हुआ है यार। मतलब आपको ना बहुत थोड़ा नैरो सा रास्ता मिल रहा है बाइक चलाने के लिए, है ना। कारगिल के अंदर ये चीज़ है, हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा जल्दी निकले। मुझे लगता नहीं है कारगिल वॉर मेमोरियल यहाँ पे है, वो शायद मुझे लगता है आउटर्स में जाके होगा। और हमने भी शायद किसी लोकल, हमने भी लोकल से पूछा था तो उन्होंने हमें बताया कि यार जो कारगिल वॉर मेमोरियल है वो यहाँ से भी 30-35 किलोमीटर दूर है, जो शायद एक जगह है द्रास में है वो, दरअसल द्रास से थोड़ा सा पहले कारगिल के बाद, तो वो मिड में पड़ता है और द्रास यहाँ से 35 किलोमीटर प्लस है। तो अब देखते हैं पहुँचते हैं वहाँ पे। बाकी मार्केट का व्यू अमेजिंग आ रहा है, इन्जॉय भी कर रहा हूँ मैं इन चीज़ों को, क्योंकि देखो यार बहुत दिन हो गए पहाड़ों में गाड़ी चला चला के, इतने मकान नहीं देखे हमने कि भाई साहब 3-3 मंजिल मकान मिल रहे हैं हमें। अब मज़ा आ रहा है थोड़ा सा, बट यहाँ ये थोड़ी देर का मज़ा है, अभी चला जाएगा। बाकी अभी आपको और भी व्यूज़ दिखेंगे बहुत अच्छे अच्छे दिखने वाले हैं जब हम लोग अभी बाहर निकलेंगे। और यहाँ देखो हम लोग आ गए हैं कारगिल, हमने कारगिल जो एरिया था वो पूरा क्रॉस कर दिया है। अब हम सीधा माउंटेंस पे प्रॉपर वैसे ही आ गए, प्लेन्स वाला मतलब जो खाली जगह है यहाँ पे कोई नहीं रहते हैं, यहाँ पे मार्केट वाला एरिया पूरा चला गया। देखो कितनी सारी भीड़ है, बकरा ईद आ रही है ना इसलिए 2 दिन बाद बकरा ईद, भीड़ भीड़ बहुत और चरवाहा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे पहाड़ों में, बकरी भीड़ बहुत चराते हैं और उन्हीं का उसी से इनका जीवन चलता है, कहते ना आय का साधन एक ही है इनका तो उसी से होता है। बाकी हम कारगिल वॉर मेमोरियल पहुँचते हैं और फिर वहीं मिलते हैं। अब डायरेक्टली ना बहुत ज़्यादा बकवास हो जाएगी, नहीं तो बहुत लंबा ब्लॉग बनता जा रहा है, तो अब सीधा हम कारगिल के वॉर मेमोरियल पे मिलते हैं। अब हम लोग पहुँच चुके हैं कारगिल वॉर मेमोरियल, अभी शाम के 4 बज चुके हैं, हम लोगों को आते आते शाम के 4 बज चुके हैं यार पूरे, तो बस अब क्या ही बोलें यार, शाम को 4 बज चुके थे। अब हम लोग अब आपको दिखाते हैं, बट हमने पता किया कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ वीडियोज़ अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे वीडियोज़ अलाउड नहीं है तो अब बिना